लॉकडाउन की वजह से ईद की रौनक बाजारों से गायब है, लेकिन ईद का उत्साह कम नहीं है। टीवी की एक्ट्रेसेस की बात करें तो अपने परिवार के साथ ईद मनाने के लिए सभी ने तैयारियां कई दिन पहले ही शुरू कर दी थी। घर की साफ सफाई से लेकर खास मिठाइयां बनाने की शुरुआत तो पहले ही हो गई थी। लजीज सेवैयां और फिरनी के साथ होगा सभी का मुंह मीठा। ईद के मौके पर पहनने के लिए स्पेशल ड्रेसेस का सिलेक्शन भी हो गया है, हाथों में मेहंदी भी रच चुकी है। तो चलिए देखते हैं टीवी की बहुओं की ईद की तैयारियां। हिना खान के लिए रमजान का मुबारक महीना इस बार बेहद खास रहा है। हर साल इस दौरान हिना अपने काम में बेहद व्यस्त रहती थी। शूटिंग में बिजी होने की वजह से हिना पूरे रोजे नहीं रख पाती थी, लेकिन इस साल हिना ने रमजान के पूरे महीने को अपनी फैमिली के साथ जमकर एंजॉय किया। रोजे रखे, नमाज भी पढ़ी, परिवार के साथ इफ्तारी भी खाई, लोगों के लिए दुआ भी मांगी। रमजान के दौरान हिना एक से बढ़कर एक ट्रेडिशनल लुक में दिखी। हिना के सभी लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। हाल ही में हिना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने ईद के लिए अपने घर की साफ सफाई करनी शुरू कर दी है। यानी हिना के घर में ईद का जश्न जबरदस्त होने वाला है। ईद के मौके पर हिना के घर में पकवानों में घुलेगी हिना की स्पेशल मुस्कान की मिठास भी। दीपिका कक्कड़ इब्राहिम टीवीपुर की चहेती बहुरानी है। ईद का त्योहार दीपिका और शोएब के परिवार के लिए बेहद खास होता है। ईद के मौके पर जमकर शॉपिंग करने वाली दीपिका ने इस बार ईद की तैयारियां लॉकडाउन के दौरान घर में रहकर ही की हैं। दीपिका मल्टी टैलेंटेड हैं और अपने टैलेंट का उपयोग उन्होंने इस बार ईद की तैयारियों में जमकर किया है। मेहंदी से दीपिका को बेहद प्यार है, तो दीपिका के हाथ में मेहंदी रच चुकी है। इसके साथ ही ईद के मुबारक मौके पर दीपिका ने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया है, जिसमें वो दिखा रही हैं घर में बैठे कैसे करें ईद की तैयारियां। गौहर खान भी ईद सेलिब्रेट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। रमजान के महीने में गौहर ने भी रोजे रखे थे। फैंस को और खुद को एंटरटेन करने के लिए टिकटॉक पर कई फनी वीडियोस भी बनाए थे, जिन्हें देखकर पता चलता है कि रमजान के महीने को गौहर ने कितना एंजॉय किया था। इफ्तारी में पिज्जा और चाट खाने वाली गौहर अब ईद के मौके पर अपनी रसोई में कुछ बेहद स्पेशल बनाने वाली है। और हाँ, मुंह मीठा करने के लिए खास गौहर स्टाइल की सेवैयां तो होंगी ही। चुलबुली हिबा नवाब जब अपने सीरियल जीजा जी छत पर है की शूटिंग में बिजी होती थी, तब भी रोजे रखना नहीं भूलती थी। और इस बार तो लॉकडाउन ने हिबा को रमजान का मुबारक महीना अपने घर पर सेलिब्रेट करने का मौका दे दिया। ईद को खास बनाने के लिए हिबा ने भी काफी तैयारियां की हैं। साथ ही ईद पर पकवान खाते वक्त हिबा अपनी फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।